कैप्चर कर आज हमारे लिए खुशी का दिन है, शुभ दिन है। मैं आज पुराने घर में आज मेरी वापसी हुई है। हम लोग जनता पार्टी के प्रत्याशी भी मिले तो ऐसा लगता है कि जो मैं कुछ दिन सही में भाड़े के घर में थी, आज भाड़े के घर को छोड़ करके अपना घर में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपना घर कैसा भी होता है अपना होता है। आदरणीय नीतीश जी का जो नीति है, सिद्धांत है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उससे हम लोग फिर से गए प्रभावित होकर के किस तरह से उन्होंने समाजवाद को लेकर के आगे बढ़े हैं, सब लोग आए हैं और जो विकास उनका है प्रमुख एजेंडा उसमें सब लोग अपना सहयोग देने के लिए, अपना बहुमूल समय देने के लिए इसमें आए हैं। और हमारी जो भी जिम्मेवारी होगी हम निश्चित रूप से उसे पूरा करेंगे। पार्टी जो भी हमें जिम्मेवारी देगी वो हम लोग पूरे निष्ठा ईमानदारी से उसमें पूरा सहयोग करेंगे, काम करेंगे। हम कहीं जहाँ भी गए हैं वहाँ हमने अपना एनर्जी से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से हर जगह हम लोगों ने काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। लेकिन लोग जो लोग हमें अपना नहीं समझते थे जहाँ हम थे इससे पहले, आप लोग तमाम लोग जान रहे हैं इस तरह से तीन चार साल मेरा समय गया, तीन साल गया राजद में मैं थी, वहाँ भी जो जिम्मेवारी दिया गया था हमने पूरा निष्ठा ईमानदारी से किया, पैदल चल के हेलीकॉप्टर से, गाड़ी से। और जितने भी अभी कैंडिडेट होंगे, जितने भी विधायक होंगे, उसमें मेरा योगदान रहा है जिताने में। लेकिन जब आप समाज पर आता है, समाज पर जब कुठाराघात होता है, ठाकुर का कुआं करके एक समाज को आप गाली देते हैं तो हमको ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग उसी दिन निर्णय लिए जो यहाँ पर जेडीयू का जो एजेंडा रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रहा विचार, उससे प्रभावित होकर के, क्योंकि बहुत ही अच्छा रहा कि किस तरह से उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी वर्ग को लेकर के, सभी समाज को लेकर के चलना है, किसी एक वर्ग को लेकर नहीं। ये रहा जेडीयू का एजेंडा, ये रहा जेडीयू का विचार, ये रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का विचार। उससे प्रभावित होकर हम लोग उसी समय निर्णय ले लिए कि हम लोग को यहाँ पर रहना है, यहाँ जाना है। दूसरे जगह हम लोग का कोई मान सम्मान हमारे समाज का, हमारे लोगों का कोई इज्जत प्रतिष्ठा, कोई मान सम्मान नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।